मेरे दिल को लग जाती है। भाई ये क्या कर गए हो? तो नहा भी रही है, काम भी हो रहा है। नहीं, कोशिश मत करना इसको उठाने की। थोड़ा घबराया और रोया। ये एक्टिंग है। आंटी आंटी एक्सक्यूज मी, तू मेरे कैमरा मुंह पे मत रखना। कौन है तू? आप चीको चीको ही रो रहा। मम्मा मम्मा वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला, क्योंकि आज मुझे चोट लगी है स्टूडियो की वजह से, क्योंकि स्टूडियो के सारे तो मुझे चोट लगी। आपको क्या चोट लग गई? मुझे लग गई। कैसे है? लग गई। कैसे लग गई? एक्सप्लेन। इनको लग जाती है तो मुझे आपको लग लगती है? मेरे दिल को लग जाती है। नोने चलो मामा नीचे चलो। भैया मैं अच्छी को जा रहे नहाने। भाई ये क्या कर गए हो? सब पस्ता आंखों में आ रहा है आपका, तो मुंह ही नहीं लगा ना। मुंह ही नहीं लगा करना, बहुत तेज बारिश है। हमने सोचा नदी तो जा नहीं सकती, घर नदी बन जाएगी ऊपर ही। पर्सनल नदी भाभी ऊपर। ये बच्चे ना मेरे बिल्कुल पागल हैं। उई ठंडा पानी है, ठंडा पानी है गुड्डू। क्या लाना भर के? तो बारिश हो तो रही है, तो बारिश डर नहीं कर रही ना इस जगह पे? आज हमारे बारिश नहीं आ रही, सब जगह कर, कर दिया मैंने सब। गिलास से भर लो अभी, तो गिलास ले जाओ आप। पैर में चुप जाए चीकू, इसके ऊपर मत चलो। गाइस अपना घर का काम करने में जो संतुष्टि है ना, वो किसी चीज में नहीं है। अपने घर ना हर चीज अच्छे के लिए होती है। हमें नहीं पता था कि ये छत का ये हाल हो रखा है। देखो आप चाहे किसी का खरीदा हुआ हो, चाहे रेंट का घर हो, या कुछ भी हो, आपको केयर करनी चाहिए। अगर देखो आपने किसी का घर रेंट पे ले रखा है, अब उसकी छत से पूरा पानी हुआ और ये पानी जाएगा नीचे नीचे, यानी कि जहाँ तक बिल्डिंग जा रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे छत पर नहाने के लिए, तू नहा भी रही है काम भी हो रहा है, तो इसे बोलते टू इन वन। पन्नी फट जाएगी पत्थर से? फट गया, फट गया। अब आप तो कर रहे हो, कांच ना लग जाए पैर में? कांच पड़ा नीचे, कांच पड़ा इधर, पीछे सारा ही आ गया। कांच है अभी, आ जाए झाड़ू कर दूंगी। उधर जा, कांच है नीचे, उधर जा। तो गाइस काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, बारिश हो रही है, मजा नहीं आएगा काम करने में। तो धूप होती फिर। कुदरत इतनी मेहरबान है, हमने पूरी छत सफाई कर दी। अरे भाई बारिश और साफ हो जाएगी छत। थोड़ा छोड़ दिया और भी नहा लेंगे। नहीं टुकड़ा उठा। तो भैया तैयार हो गए तू बस शादी में जाने के लिए, और हमारा जैड भी तैयार हो गया है। हाँ बेटा पूछ तो लूँ किसकी शादी है, किसकी शादी में जा रहे हैं वो बच्चे? शादी में क्यों जाएंगे? हाँ शादी में कोट पैंट पहन के घर पे ही। आज भैया देखो फेस्टिवल है। अच्छा ईद है? ईद है। तो हम हर फेस्टिवल मनाते हैं पूरे अच्छे दिल से, तो ईद क्यों ना मनाए। चल भाई टाइम हो गया बच्चे। क्या ढूंढना है? बेटे अशी जी है, क्यूट लग रही है ना भैया फ्रॉक में। आप कहाँ जा रहे हो कोट पैंट पहन के? ये क्या लग गया इसके? ये टीका यहाँ भाभी। हाँ हाँ ये इसका हाथ से लगता है ना। कहाँ जा रहे हो आप कोट पैंट पहन के? और आप तो कितने कुछ लग रहे हो, डॉल लग रहे हो। डॉल देखिए, डॉल सुपर डॉल। और जैद देखे, जैद गुड्डा बाबू, गुड्डे गुड्डा बाबू। चलो बाबू क्या हो गया? कितने खुश हो रही डॉल। हाँ फुल खुश हो रहे हैं। नहीं है, इसको भी उठाओ, आपको भी ऐसे उठाया जाएगा। भाभी थोड़ा आराम से है, देख के भाभी 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 नहीं उठा रखा है। कोशिश मत करना इसको उठाने की। अगर गाइस ये वाला कवर लेना, आपके 4,000 गवाने पड़ेंगे। बैठे बकरा था बेटे, आप ही चल गया गाइस ये देख लो। वाह चीकू वाह बेटे वाह वाह, और बगले भाई बगले। लगी तो नहीं? लग गई, लग गई। सुनो लग गई तो ट्यूशन की छुट्टी करवा दूं? हां फिर पानी में खड़े इधर राजा। ओ चिपक गया।
चीकू ट्यूशन जाएगा भैया। आज तो पानी ने बुरा हाल कर दिया, इतना पानी कभी नहीं हुआ यहाँ पे, इतनी कितनी बारिश आ गई, मतलब ये ना अभी एक घंटे घंटे में भरा बस ये। ओहो वहाँ देख लो बुरा ही हाल है भाई साहब। तो आज ट्यूशन से आ गया अभी, मम्मा से पूछते कि आज मैं क्या पढ़ के आया हूँ। क्या पढ़ के आया हूँ? पढ़ के खुद आए और मम्मी से पूछोगे हैं? वाह यार, मम्मी बताएगी कि क्या पढ़ के आया बेटा? ये बेटा बताएगा है क्या? गेट है बंद तो कैमरे में आधे ला दो बेटा, खोल देंगे। हेलो हेलो, खोल दो। अभी एक प्रैंक शूट करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त, और ये सभी बच्चों के लिए भी है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। अपने बच्चों को अपना मोबाइल नंबर ज़रूर याद करवाएं, और कई बार क्या ना हम अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि फ़ोन में लगे रहते हैं, और हम अपने बच्चों का हाथ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं पब्लिक प्लेस में, जिससे बच्चा ना मिसप्लेस हो जाता है या फिर कोई उसको उठा के उधर ले जाता है। तो आज का जो प्रैंक है वो ऐसे इसी चीज़ पर है, आप ज़रूर देखें फैमिली फिटनेस पर, बहुत मज़ा आने वाला है। चीकू के ऊपर है प्रैंक, चीकू पब्लिक प्लेस में जाएगा और बोलेगा कि मेरे पापा या फिर मैं गुम हो गया हूँ, आप मुझे कॉल करने दे सकते हैं, तो देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन क्या रहेगा। तो गाइस अभी ना मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ कि जैसे मैं मॉल में घूम रही हूँ, और चीकू मेरे पर रैंडमली आएगा और मुझे आके पूछेगा कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा है ना देखो छोटा, तो उसे पता होना चाहिए क्या बोलना है, तो घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे। तो योर स्टार्ट नाउ, योर टाइम स्टार्ट, योर स्टार्ट। चलो जाओ, चलो थोड़ा घबराया और रोया। देख रहे हो ये एक्टिंग है, इसको एक्टिंग क्लास में डाल दो थोड़ा। अच्छा बन जा भाई बेटा, आता है इसको भाभी कर लेगा। आंटी ऐसे नहीं बोलना पीछे से, मुझे किसी क्यों नहीं बोल रहा है। मैं घूम रही हूँ, मैं घूम गई हूँ, मैं चीकू मैं आंटी हूँ। एक मिनट हंसी आ रही है, वेट एंड वॉच। मुंह पे बिल्कुल स्माइल नहीं, मुंह पे घबराहट, ठीक है बिल्कुल घबराहट, ये घबराहट थोड़ी, ये तो चौंकने का स्टाइल है। देख ऐसे आंटी आंटी भाभी को डर रहे, पक जाओ तू करके दिखा, चल मैं आंटी हूँ। ठीक है मम्मा, आप चीकू नहीं लगो कि तुमने लंबे हो, मैं छोटी हो जाऊँ? एक्सक्यूज मी सारे सारे तुम करके दिखाओ, आप करके दिखाते हैं, पापा करके दिखाएंगे, पापा करके दिखाएंगे। आप ना आप हमें बोलना, एक्सक्यूज मी लेडीज, दिखाओ चलो। आप अंकल हो, मैं चीकू, ठीक है मैं इनके साथ जा रही हूँ, मैं सब अंकल अंकल अपना मैंने मम्मी पापा को गए, ये तो झूठ बोल रही है, ऐसे लग रहा है फिर से नहीं, 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 से ऐसे एक फन के लिए, क्योंकि अभी हमें हंसी आ रही है, बट जब एक्ट होता है ना तो हम हंसते बिल्कुल भी नहीं, हम वन टेक आर्टिस्ट है सारे। चल चीकू, चल चीकू अब तू ये अंकल है, अंकल को बोल रहे मैं करती हूँ एक बार अंकल अंकल, तू मेरे कैमरा मुंह में मत रखना, कैमरा रखेगा तो मेरे से हंसी नहीं आएगी। एक मिनट, ठीक है मैं तब मत देखो, आप इस तरह देखो चलो करो। सुन चिकू, ऐसी सिचुएशन ना ज्यादातर बच्चों के साथ होती है, क्या होता है ना कि माँ बाप गलती से ना भूल जाते हैं कि बच्चा हाथ में पकड़ा है या बच्चा साथ में। ऐसे भी ऐसा भी होता है, एक बार हमारे साथ हुआ था ना याद है, जब हम मॉल में गए थे तो चीजें उठाने लग गया था, हम पूरे मॉल में इसमें गए थे, पता है कभी तुमने आज बता रहे कभी बिग बास्केट में लेके गई थी मैं इसको, तो ये ना अपनी चीज उठा रहा था, हमने देखा नहीं पीछे कहा है, हम तो अपना सामान उठा रहे, बाद में ये उधर से चिल्ला रहा दूर से और हम इधर से चीकू चीकू, ये रो रहा मम्मा मम्मा मम्मा, वैसे ही करना है बस, वैसे ही करना है, चलो लास्ट हम चले जाते हैं फिर तेरे से हो जाएगा। अंकल अंकल मेरे पापा घूम गए, प्लीज मुझे अपना फोन दे दो। थोड़ा एक्ट में रो रहे, थोड़ा सा घबराहट में। एक्सक्यूज मी अंकल, मेरे पापा खो गए हैं, तो मुझे फोन दे दो, मुझे कॉल करना है। एक रुपया लो और एसटीडी से खो जाओ। तो आज शूट करने जा रहा हूँ, अभी मसाज कर रहा हूँ थोड़ी सी। चल भी रहा है? हाँ चल रहा है। कहाँ? अभी तो उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। चलो चलो जल्दी लेट हो जाएंगे, अंधेरा हो रहा है फिर। ये फिर ये ले आया, ये खाता होता है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, उनो लेके आप उनो खेलना भी आते हैं? मम्मा आपके साथ उनो खेलूंगा। आप खेलना आते हैं? आप अपनी रूल्स बनाते हो मम्मा। यहाँ पे ना चीकू को मिली है उसकी ईदी, और ईदी में चीकू लेके आया, देखो हमारे लिए गिफ्ट लाया कि हम 150 रुपए खर्च करके आए इसमें। मम्मा 150 रुपए मेरे लगे, तेरे के लगे, मेरे लगे। तू कमा के लाया था? मेरे पॉकेट मनी के लगे। और ये कितनी बार बोले इसको फेंक के ऐसा कोनट्टा मारूंगी, कोनट्टा मारूंगी, फेंक इसको। अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं।
अभी फट जाता। अभी अभी आपके 600 रुपए इसकी वजह से फट जाते। 600 रुपए आपकी ईदी कहाँ है भाई? इसकी ईदी भैया इसको मिलेगी अगले साल, क्योंकि इसको थोड़ी समझ आ जाएगी ना, इसको डॉल लेके देंगे। ये तो राखे पे मांगेगी मोटे के, मेरे पास ही नहीं छूट जाएंगे। अच्छा अच्छी कोई बात बताओ, पहली जब ये मम्मा होली पे जमीन पे लेट के वो रोएगी, पहली राखी पे बहन को क्या गिफ्ट दोगे? डॉल। वेरी गुड वेरी गुड। 3000 की डॉल दूंगा। 30000 की? 3000 की डॉल। हाँ चलो, आप पॉकेट मनी भैया इकट्ठे कर रहे ना वैसे वो। भाभी इसके पॉकेट मनी अभी तक कितनी होगी? गोलू 2500 रुपए तो है इसके पास बेटा। 500 रुपए और कर ले, 3000 हो जाएंगे बहन के लिए। मम्मा 500 रुपए पॉकेट मनी अभी थोड़ी है, कम थोड़ी देता है कोई। और वो वाली तो डॉल है ना, हम संभाल के रखेंगे। तुबा को बताएंगे जब बड़ी होगी कि आपको जो पहला गिफ्ट मिला था भाई ने राखी पे मिलता डॉल, वो संभाल के रखेंगे। ठीक है तुबा, संभाल के रखना। तो बाबा गाइस मैं नेक्स्ट मोमेंट का पेश कर रहा है, मेरी पूरी फैमिली से आपको है ईद मुबारक।